आज का दिन प्रभात खबर के बहुत ही पावन है। आज के दिन ही प्रभात खबर 40वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो इस शुभ अवसर पे प्रभात खबर के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th में 90% से अबव मार्क्स ऑब्टेन किया है, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है और हमको उनको बुला के सम्मानित करना चाहिए। तो आप लोगों का अगेन धन्यवाद, और मैं आशुतोष सर से आग्रह करूँगा कि उस अवसर पर दो सब बोले। बहुत बहुत स्वागत है सब पेरेंट्स और बच्चों का, खासकर बच्चों का कि जिन्होंने एक बड़ी उपलब्धि 90% से ज़्यादा नंबर या उसके आसपास लाए हैं, और ये बात खबर परिवार के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि हमारे परिवार के हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चे अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। जाहिर है कि शिक्षा का संबंध नौकरियों और कैरियर और सबसे जुड़ा हुआ, अच्छे आप लोग अंक लाओगे तो आगे चल के परिवार का नाम, प्रभात खबर का नाम सबका रोशन करोगे। हम लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता होती है, हम लोग कभी कभी कहते हैं एक दो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट या IAS तक लोग बने हैं बच्चे जो है, और जिनके माता पिता कभी प्रभात खबर से जुड़े हुए रहे, तो हम लोग अभी भी बड़े गर्व से हम सभी लोग उसका स्मरण करते हैं कि देखिए ये हमारे प्रभात खबर से जुड़े हुए थे और इनके बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो ये पहली बार ये प्रक्रिया शुरू हो रही है कि हम लोग बच्चों के अचीवमेंट को प्रभात खबर परिवार के, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको जो है अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उनका, ताकि भविष्य में और अच्छा कार्य करें। शुरुआत में तो जो योजना थी उसमें ये था कि केवल लड़कियों को ही रखा जाए, फिर बाद में ये हुआ कि नहीं नहीं लड़कों को भी इसमें शामिल किया जाए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये आप सभी लोगों से, बच्चों से खासकर मेरा अनुरोध होगा कि ये कैरियर के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और इस दौरान अगर आप अच्छा कार्य करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, कि 3-4 साल हैं फिर उसके बाद सब चीज़ें सेट हैं। एक बार इंजीनियरिंग, मेडिकल या ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जिसमें भी एक बार आपने स्ट्रीम पकड़ ली, 10वीं और 12वीं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन के, जिसमें पूरा करियर की बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। मैं अपने अनुभव से बात कर सकता हूँ, अब मेरे भी बच्चे हैं, तो ये इन दोनों वर्षों में आप लोग अच्छा करोगे, अच्छे से करियर चुनोगे और एकाग्रता से काम करोगे। इसमें यह है कि सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है, आपको अपने आप पढ़ाई और क्या करना है करियर में, सब लोग आप लोग चैतन्य हो। हम लोगों के ज़माने में तो बस ये था कि आर्ट्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ये 2-3 स्ट्रीम हुआ करती थी कि जिसको पढ़ना है, कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ करते थे। अब तो मैंने देखा कि आपकी रुचि के बहुत सारे विषय है ना, चाहे वो लॉ में हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है उसमें कैरियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सलाह मेरी केवल आखिरी में एक है कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी बहुत ही उपयोगी है हम सबको, मैं इस पक्ष में हूँ कि हम सबको टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है एक, उससे जानकारी बढ़ती है, हम लोग देश विदेश से कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें हम लोग जो है उलझ के ना रह जाए। केवल मेरा आग्रह केवल बच्चों से एक ही है, और मैं पाता हूँ कि हर घर परिवार में एक थोड़ा सा इसको लेकर संघर्ष रहता है, तो अपने हमारे जो साथी हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा छूट दें। तो उसमें यह है, यही मेरा आग्रह है केवल एक, कि उसका सीमित इस्तेमाल करें, मैं इससे कोई परहेज नहीं कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करें। उस पर 2 साल बस जो कैरियर के हैं उस पर ध्यान दें, उसके बाद में फिर इसका खोलकर इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बुनियाद ठीक हो जाए, कैरियर में आप सेट हो जाए कि आपको क्या करना है, धारा आपने पकड़ ली, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, एक्सेल करेंगे। यही हम लोगों की पूंजी है, हम लोग पढ़ाई लिखाई और इस
अखबार के काम में लगे हैं, सब आपके पेरेंट्स और सारे कुछ है, और उम्मीदों के केंद्र आप ही लोग, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी लोग आए, धन्यवाद। पहले तो गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। कुछ दिन पहले हमारे जीएम साहब एचआर के विकास ने मेरे को कहा कि सर हम लोगों को उन बच्चों को प्रमोट करना है जो हमारे एम्प्लॉय के बच्चे हैं, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, जो 90% एंड अबव लाए। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, उनको मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। और हमारे जो आठ यूनिट है झारखंड में, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर और कलकत्ता, इसमें जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं जिनके बच्चे 90% अनुभव लाए हैं, कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं इस साल, तो हम लोगों ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान रखा है। मैं बच्चों के बारे में बता दूं कि दुनिया आज काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और आप देख रहे हैं जैसे आशुतोष जी ने बताया कि पहले के ज़माने में क्या था, यूपीएससी पास करेंगे, बीपीएससी पास करेंगे, डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। आज डॉक्टरी में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फील्ड आ गए हैं, इंजीनियरिंग में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे फील्ड आ गए हैं, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, डॉक्टर में आप देखेंगे ENT है, डेंटल है, आपका पेट वाला है, जनरल फिजिशियन है, सर्जन है, तरह तरह के फील्ड हो गए हैं। अगर आप देखेंगे इनके अलावा UPSC BPSC तो है ही, इनके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो MBA के भी कई फील्ड है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, और बहुत सारे ऐसे फील्ड खुल गए हैं जिसमें आपको अगर लगता है कि हमें ये करना चाहिए तो आपको करना चाहिए। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने दुनिया में बहुत, लेकिन उन लोगों के लिए है जो अपने आप को उस हिसाब से तैयार किया है। इंटरनेट का इस्तेमाल, देखिए टेक्नोलॉजी से कोई भाग नहीं सकता, इफ़ यू डोंट अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इसलिए टेक्नोलॉजी को देखिए, आज ChatGPT आ गया, और भी एडवांसमेंट होगा, इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, नकारात्मक भी है सकारात्मक भी है। तो मैं आप बच्चों से यही कहूंगा कि यूज द पॉजिटिवनेस ऑफ इंटरनेट, लर्न फ्रॉम इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे जो दूसरे जगह अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि डोंट थिंक ओनली ऑफ रांची, अगर आपको बाहर जा कर के पढ़ने का इच्छा है अच्छा इंस्टीट्यूट में, छोटा मोटा नहीं, तब जरूर जाइए, एक्सप्लोर, सिर्फ रांची में ही रहना है ऐसा कुछ है नहीं, और अपना पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में जा कर के आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, दुनिया को फेस करना पड़ेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप जगाइए अपने आप। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सिर्फ नौकरी के बारे में मत सोचिए, अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो वर्ल्ड इज अगेन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उसको तलाशिए, देखिए क्या आप करना चाहते हैं, लेकिन कीजिए वही जो आपका दिल चाहता है। ऑल द बेस्ट, और मैं समझता हूँ कि और बढ़िया करेंगे बच्चे, और अपना पेरेंट्स का मान सम्मान को बढ़ाएंगे। आप जहाँ भी जाए रांची को मत भूलिएगा, ये आपका कर्म भूमि है, जहाँ भी रहिए, जो भी कीजिए, कभी कभी रांची जरूर आइएगा। आइए,
चलो लेकिन ये तो बच्ची गई है आओ भैया। अनुष्का, अनुष्का पापा से मुझे लग रहा था तुम बात कर रही थी, क्यों ये किसका? आओ भैया, आइए आइए। अरे ये क्या कर रहे? देखो भैया कांग्रेचुलेशन भैया, आइए उपलब्धि तो देखिए इसकी बढ़िया की है, बहुत बढ़िया। क्या बेटा क्या करना है अभी? यही करना, यही बस, यही बिल्कुल एकदम बढ़िया। और जो लिफाफा है वो मम्मी पापा को नहीं दे रहा, अपने पास रखना। सबसे पहले अपना नाम बता दो और तुम किस स्कूल से हो? प्रांजल कुमार सिंह, जेवीएम शामली। तो तुम्हें कितने मार्क्स आए हैं? 96.8%। 10th या 12th? 10th में। तो कैसा रहा ये सफ़र और कैसे पढ़ाई करते थे? अच्छा रहा, थोड़ा बहुत पढ़ने से ही। 10th में तो उतना पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन अभी 11th में और बहुत पढ़ना पड़ता है। 10th में तुम लगभग कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे अपना रूटीन मैनेज करते थे? 10th में तो कितना, 2 घंटे ऐसे कुछ रेगुलर तो नहीं था, लेकिन 2-3 घंटा कंसिस्टेंटली। बस 2-3 घंटे ही। अभी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? 1 घंटा सेल्फ स्टडी, यानी कि होमवर्क बना रहे हो उसमें, वो सब नहीं। स्कूल ट्यूशन के अलावा खुद से 2-3 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, अभी के जो बच्चे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहने के लिए या पढ़ाई को कैसे मैनेज करें अच्छे मार्क्स लाने के लिए? यही कि सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना टाइम मिलेगा, उतना ज़्यादा इधर उधर पढ़ाई में बना पाएंगे बस। तुम इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज करते थे? अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं किए। अनुष्का अनन्या, मार्क्स मेरे 94.2% थे और स्कूल डीएवी बरियातू रांची। 10th या 12th? 10th। तुम्हारा कैसा रहा ये पढ़ाई का जर्नी और पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? कब तुम पढ़ती थी, कितने घंटे? देखिए घंटों का तो रेगुलर नहीं था ऐसा, मतलब मूड के हिसाब से भी नहीं। जैसे ही टेस्ट कुछ हुआ तो उसकी तैयारी कर ली, एक दिन हो सकता नहीं पढ़ा पर एक दिन हो सकता है 3-4-5-6 घंटे पढ़ लिए, ऐसा रहता था मेरा। तो बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि सोशल मीडिया के साथ पढ़ाई हो सकती है, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या 10-12 तक सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए? मेरा तो कहना है कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यही होता है कि आप एडिक्टिव हो जाते हो सोशल मीडिया से। अगर आप सोशल मीडिया पे है भी तो आपका एक लिमिटेड सर्कल रहना चाहिए सोशल मीडिया पे, जैसे कुछ फैमिली मेम्बर्स और कुछ फ्रेंड्स। आपका नेम क्या है और आप किस स्कूल से हैं, कौन सा बोर्ड है आपका? आरुषि, दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची। 10th या 12th बोर्ड? 12th। कितने मार्क्स आए हैं आपके? 92%। तो आप क्या सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि सोशल मीडिया से बहुत सारे बच्चों ने बताया कि दूर रहना चाहिए तभी इतने मार्क्स आ सकते हैं, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लिमिट में यूज़ करना चाहिए, सब चीज़ थोड़े लिमिट में होना चाहिए। बाकी आप 3-4 घंटे जितना घंटे पढ़ते हो उतना कॉन्सेंट्रेशन से होना चाहिए, मेजरली NCERT एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व करके हो जाता है। आप कितने घंटे पढ़ती थी और कैसे तैयारी की? 3-4 मेनली रात में ही पढ़ते थे, एज दे सेड कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त, शांत रहता है तो इसलिए। आप किस स्कूल से हैं और आपके कितने मार्क्स आए? माय नेम इज शीतान शेखर, मैं DAV नंदराज पब्लिक स्कूल से हूँ, मेरे 90.1% 10th में। 12th। आपका सफ़र कैसा रहा, कितने घंटे पढ़ते थे? सफ़र अच्छा था और पढ़ने के आवर्स फिक्स नहीं थे, जैसे अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करते तो आपके लिए 2-4 घंटे भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप फोकस्ड नहीं है तो आप 10-15 घंटे भी पढ़ के केवल वेस्ट ही कर रहे हैं, फोकस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तैयारी के लिए आपने किन किन चीज़ों का हेल्प लिया था, बुक वगैरह कौन सा प्रेफर करेंगे आप? बुक NCERT प्रेफर करेंगे, और ज़्यादातर अगर आपको उससे ज़्यादा कुछ करना है तो आप अपने टीचर्स के नोट्स कर लीजिए उससे ज़्यादा। बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
टीचर्स के जो नोट्स है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो जो टीचर होते हैं ना वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने एक्चुअली काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है जो 90 और उससे परसेंट लाए हुए हैं, उनको पता होता है कि कैसे पढ़ाएंगे तो आ जाएंगे। आप अपने टीचर की बात मानिए, वो श्योरली आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, प्रभात खबर के द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो आप अपने पापा को और प्रभात खबर को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बहुत मन में इमोशंस बहुत सारे हैं लेकिन डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपकी जर्नी कैसी रही पढ़ाई और इतने मार्क्स लाने के पीछे, और आपका नाम क्या है? कृष्णा कुमार नाम। जर्नी ठीक ही थी, जर्नी ने कुछ बहुत कुछ सिखाया। नाइन्थ में कम परसेंटेज थे, टेंथ का ट्रांजिशन प्रेशर भी होता आउटसाइड का कि टेंथ में नंबर ज़्यादा लाना है, तो उसी से नाइन्थ में आपके कम मार्क्स आए, तो उसके बाद आपने और ज़्यादा पढ़ाई की एट में, तो उसके बाद आपने और ज़्यादा पढ़ाई की, मेहनत की, तो फिर टेंथ में टॉप किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्क्स हैं आपके 95%। तो फिर अभी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो डर जाते हैं कि अभी कम मार्क्स आ रहा मेरा 8th 9th में तो फिर आगे हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छी करनी चाहिए, मेहनत कैसे करना है? NCERT फुल्ली फोकस्ड रहना चाहिए। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे बोर्ड में, स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि स्कूल टीचर्स का नोट्स वगैरह आएगा। NCERT को जितना बार पढ़ सकते वही पढ़े, वही काम देगा। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना चाहते हैं आप? यही कर रहे हैं अभी, करेंटली फिट जिम पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियर बनना चाहते? बिल्कुल। ठीक, तो अपना नाम बता दो और तुम्हें कितने मार्क्स आए हैं, कौन से स्कूल से हो? जैस्मिन कौर है मेरा नाम, एंड आई एम फ्रॉम विशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा, एंड मेरे को 94% 10th में। तुम्हारा सफ़र कैसा रहा, मतलब पढ़ाई कैसे करती थी? पढ़ाई मतलब लाइक एक फिक्स टाइम नहीं था, मतलब हर दिन वैरी करता था क्योंकि कभी कुछ हो गया, कभी थक गए, या ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था, तो मज़ा। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? पेरेंट्स एक्चुअली मेरे को ना रात में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है पढ़ने, सुबह मेरे से पढ़ा नहीं जाता, तो मम्मा मेरे से मेरे साथ रात में जागती थी क्योंकि अकेले। बहुत सारे पेरेंट्स का कहना होता है कि सुबह पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है, तो तुम रात में पढ़ती थी, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को? सुबह उठ के भी देख लिया, बट सुबह उठ के नींद आती थी तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, रात में पढ़ती थी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।